खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के विकासखंड बिहार ग्राम सभा कोरही में गौशाला पर खबर की कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को पशुओं के रहने व खाने की बेहतर सुविधाएं देखने को मिली। गौशाला में जानवरों के चारों के लिए 5 बीघे से ज्यादा हरे चारे को ग्राम प्रधान ने खेतों में उगाया है। गौशाला के बारे में जानकारी करने पर ग्राम प्रधान गयापाल सिंह कछवाहा ने बताया कि गौशाला में मौजूदा समय में 8 कर्मचारियों व 4 महिलाएं 300 से ज़्यादा जानवरों की देखभाल करने के लिए तैनात हैं। वहीं गौशाला के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाकर पशुओं के चारा खाने व रखने का इंतज़ाम किया गया है। मौके पर गौशाला में 2 ट्रैक्टर मौजूद थे। एक ट्रैक्टर से चारा काटा जा रहा था तो दूसरे ट्रैक्टर पर चारा गोदाम में भरने के लिए ले जाया जा रहा था। पानी के लिए इंजन और तालाब भी गौशाला में बनवाया गया है। गंदगी धोने के लिए रिक्शे की ट्रॉली इत्यादि सामान उपकरण से सुसज्जित है गौशाला। ब्यूरो न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से रत्नेश शुक्ला की रिपोर्ट।
प्रधान जी, ये गौशाला आपकी कब से संचालित है? 5 फरवरी 2019 से। मौजूदा समय में कितने जानवर हैं? 308 जी। कुछ अभी हमारे गांव वालों ने अंदर और किए हैं, जिनकी अभी टैकिंग नहीं हो पाई है, तो संख्या कुछ बढ़ेगी। बढ़ेगी। और इनके चारे वारे का प्रबंध क्या करते हैं? अभी इनके चारे के, हरे चारे की व्यवस्था है जी, और भूसा मंगवाया जाता है, कुछ पुआल भी है, उसकी मिक्सअप मशीन से कटवा करके मिक्सअप करवाया जाता है। हरा चारा कितना उगाए हैं? हरा चारा मेरे पास 3.5 से 4 बीघे है। और सरकार द्वारा जैसा कि एक मानक तय किया गया है, नियम तय किया गया है पर जानवर पीछे, तो एक आपकी गौशाला मैं देख रहा हूँ जो है, इसमें पूर्ण रूप से जो है जानवरों के चारा पानी का सबका प्रबंध है, तो इसमें सरकार द्वारा आपको जो है पैसा आ रहा है, मिल रहा है? अभी तक 10.5 लाख रुपये हमें मिला है और 31 जनवरी तक मेरा 29 लाख रुपये के लगभग भरण पोषण का बाकी है। जैसा कि मैंने कई गौशाला की खबर कवरेज किया है, उस पर जो है खबर चलाई है, प्रयागराज क्षेत्र में भी एक गौशाला की खबर हमने चलाई थी, तो उसमें जो है एक ही दो कर्मचारी मिले। आपकी गौशाला में कई कर्मचारी हैं, कोई गोबर उठा रहा है, कोई ट्राली से फेंक रहा है, तो आपकी दिनचर्या क्या है? आप भी मौजूद हैं? हमारी दिनचर्या है कि सुबह में लगभग 8 से 9 बजे तक लेटर आ जाता हूँ यहाँ पर गौशाला पे मॉर्निंग में सुबह, और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। और सुबह जब आता हूँ तो हमारे पास 8 4 वो घास काटती है, तो उनका काम है, वो 9 बजे आके अपना हरा चारा काटती हैं। हरा चारा काटने के लिए 4 महिलाएं नियुक्त किया है। हाँ, और उनको देख रेख के लिए 8 लोग। 8 लोग, कुल 12 लोगों की टीम है जी। क्या नाम है प्रधान जी आपका? गयापाल सिंह कछवा। कौन से विकास खंड के हैं आप? बिहार विकास खंड से हैं। ग्राम सभा कौन सी पड़ती है? रही। धन्यवाद।